आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपनी पूर्व सहयोगी बीजेपी के खिलाफ वो लगातार मोर्चा खोलते रहे हैं, साथ ही योगी सरकार की विदाई की बात भी करते रहते हैं। और अब ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलने पहुंचे, तब सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस मुलाकात को लेकर ओम प्रकाश राजभर से प्राइम टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, सर कल आपकी और परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात हुई, किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या ये राजनीतिक मुलाकात थी या वैचारिक? देखिए, वो मिनिस्टर हैं, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक क्षेत्र से हम भी विधायक चुने गए हैं, तो क्षेत्र की कुछ समस्याएं जैसे हम लोग नहीं हल कर पाते हैं तो मंत्री के पास ले जाना पड़ता है, मंत्री नहीं कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री के पास ले जाना पड़ता है। तो उसी कड़ी में मैं कल माननीय दयाशंकर सिंह जी से मिला। एक हाई कोर्ट से आदेश आया है, हमारे अशोक यादव जी हैं, उनकी पत्नी का शिक्षक का मामला था ज्वाइन कराने का, तो एक वो मामला था। दूसरा मामला कि कोर्ट ने भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए एक आदेश दिया है कि इनको 2 महीने में शामिल करके सरकार सूचित करे, एक वो मुद्दा था। तीसरा था बलिया जाने के लिए पूर्वांचल पे कट नहीं बना है, तो एक तो ये उनका। दूसरा चौथा था हमारा कि एक हमारे साथी हैं मिथिलेश सिंह, तो उनका जौनपुर और बनारस के लिए रोडवेज बस चलाने की बात, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम गए थे। अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी नहीं ना पाकर था? देखिए, जो सोच आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की गठबंधन जो हम लोगों के हैं, हम लोग गठबंधन के साथ हैं और अपना अपना संगठन सब लोग ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अभी देश में अगर देखा जाए तो लाउड स्पीकर विवाद अभी हाल ही में आया, तो इन सब चीजों को आप क्या देखते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? नहीं, देखिए, जो सड़क पे लाउड स्पीकर, अगर ये बात है कि लाउड स्पीकर से दर्द है, तो पहले नेता लोग माइक रैली में माइक हटावें, ये क्यों भाषण देते हैं तगड़ा कि कान फाट गया है। ये शादियों में डीजे बजते हैं, गाड़ी लगता है कि अब भैया इसका पार्ट पार्ट अलग हो जाएगा, एक सवाल खड़ा है ना। पहले तो नेता लोग खुद सुधरें, बड़ी बड़ी रैलियों में माइक हटा दें, खबरदार भाई वैसे ही भाषण दें नेता लोग, तब समझ में आई। तो दूसरी चीज, सरकार बड़ा पीठ ठोक रही है, हमने सड़क पर नहीं करने दिया, ठीक ना। हम सावन आ रहा है, कांवड़ यात्रा कहाँ होगी, सड़क पर ना होगी, रोक पाएगी सरकार? उंगली उठाएगा एक धर्म के लोग ने, एक धर्म को आप टारगेट जाति को करके कर रहे हो, तो कल वो जाति धर्म के लोग आपके मजहब पे तो भी उंगली उठाएंगे, आपको बुरा लगेगा, ऐसा क्यों भाई? वो कोई सड़क हमके लंबे समय से, जब से मैं पैदा हुआ हो संभाला हूं, तब से तो लोग नमाज पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं कि आज कोई नई चीज है, तब से लोग पूजा पाठ करते हैं जो जिस धर्म का करते हैं। कोई सड़क ये उठा के थ्रो लेके चला जा रहा है भाई, 20 मिनट आधा घंटा अपना पूजा पाठ किया, अपना उठाया डेरा डंडा चला गया, काम खत्म हो गया। अच्छा, बुलडोजर बहुत सुर्खियों में है, और आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रखी गई है जिसमें राकेश टिकैत तिकोनिया में हिंसा हुए जो पीड़ित थे उनको सहायता राशि को लेकर आज मंथन किया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर में, और कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा टेनी के घर पे क्या बाबा का बुलडोजर चलेगा, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये सरकार जैसा मैंने अखबार में पढ़ा कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे जो भर्ती हैं या जेल में है, अब उनके लिए बाहर से कूलर जा रहा है, बाहर से खाना जा रहा है, इस नाते कि वो मंत्री के बेटा है, अपराधी उसकी कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, तो जितने भी जेल में कैदी हैं
या अपराधी बंद हैं, जो भी कहिए उसको, तो सबको कूलर लगाने की छूट दे दो, जो सक्षम होंगे कूलर लगाएंगे, सबको छूट दे दो, सब लोग घर में जो है अपना घर से खाना मंगाएंगे, एक मंत्री का बेटा हो तो उसको कूलर और उसको घर से भोजन, अगर संतरी का बेटा है तो फिर चलो गर्मी में मरो, उनको गर्मी लगती है और लोगों को क्या लगता है। तो सरकार धर्म और जाति चीन करके काम कर रही है, इनको अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी है तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार खुद उंगली उठवा रही है। ललितपुर की घटना पे क्या कहेंगे? जब रक्षक ही भक्षक है, और हम सरकार से ये कहेंगे कि चाहे ललितपुर की घटना हो चाहे चंदौली की घटना हो, अगर घुरहू निरहू पवारू कतवारू अगर ये घटना करते हैं, कोई 302 होता है, कोई मामला होता है, तुरंत पकड़ के जेल भेज देते हो, मुकदमा लिख देते हो, तो ये रक्षक जब भक्षक बना है तो इसको खिलाफ 302 का मुकदमा लिख के चंदौली वाले को जेल क्यों नहीं भेजते? आपको ललितपुर में तुरंत मुकदमा लिख के जितने दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजो, ये सरकार को करना चाहिए। झूठा डिडोरा पीट रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है, इलाहाबाद में 5-5 लोगों की हत्या हो गई, फिर 3 की हो गई, गोरखपुर में हो गई, आए दिन हो रहा है हत्या, ये कौन लोग, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर आपका है? तो लॉ एंड ऑर्डर और ये बुलडोजर गरीब के यहाँ, जो गन्ना रस पेरता है बैठ के उसका मशीन ये उठा ले जा रहे हैं, यहीं वहीं उठा रहे हैं। अरे बुलडोजर चलाने की हिम्मत है तो बहुत से स्कूल अवैध कब्जा करके जो है सरकारी संपत्तियों पर बनाए हुए, उनके यहाँ ले जाओ बुलडोजर, वहाँ नहीं जाएगा अधिकारियों का, नहीं बुलडोजर जाएगा बड़े नेताओं का, नहीं जाएगा बुलडोजर, ये जाति चीन के गरीब कमजोर का यहाँ बुलडोजर जा रहा है। अच्छा आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे कल ट्रेंड कराया जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभव 2024 चुनाव तक वापस बीजेपी में चले जाएंगे, इस पे आपका क्या स्टैंड? 22 में ऐसा ही ट्रेंड करावल जाता रहा, 22 में भी हो कि प्रधानमंत्री का फोन आने वाला है कल जाएंगे, गृह मंत्री जी का फोन आने वाला है परसों चले जाएंगे, लेकिन हम गठबंधन के साथ थे, चुनाव लड़े, वैसा ही अब वो ट्रेंड कराएंगे, ऐसा ही चलता है। ये राजभर एक ऐसा जीव है ना कि सब लोग परेशान हैं, परेशानी की वजह है कि हम उनके बीच में रहते हैं जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित लोग हैं, हम उनके बीच में रहते हैं, उनको समझाते हैं, और वो बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे सुभसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि दयाशंकर सिंह से हुई कल की मुलाकात बस एक वैचारिक मुलाकात थी और कुछ क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पे चर्चा की गई। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला लगातार जारी है। कानपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह सरकार खुद के लोगों के अवैध कामों पर बुलडोजर नहीं चलाती, हमने इसलिए यह सवाल उठाया था कि क्या अब थाने पर बुलडोजर चलेगा। आगे अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, पुलिस की मनमानी का यह पहला मामला नहीं है, उसके पहले भी गोरखपुर में एक व्यापारी को पुलिस ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था, चंदौली की घटना भी सभी के सामने है। एक पत्रकार साथी को भी कपड़े उतार के घुमा दिया और उसने भी पुलिस कोई कहानी बना दी, वो क्या कहानी है ये अब पुलिस बना देगी, कोई कहानी दबाव बना देगी। मान लीजिए एक पत्रकार साथी ने पेपर आउट होगी जानकारी जिलाधिकारी को दी, उस पत्रकार साथी को जेल में रहना पड़ेगा, उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए और कानपुर की पुलिस तो सब सीमा तोड़ गई, इसीलिए तो कानपुर फेमस है। तो आप सोचिए सब कपड़े उतार दिए पत्रकार, और मुझे नहीं लगता कोई व्हाट्सएप पे इतना वीडियो चला होगा। अरे व्हाट्सएप भेजने वाले ये भी नहीं जानते किस समय भेजना चाहिए, तो बताइए अगर सुबह सुबह आपको किसी पत्रकार साथी का बिना कपड़ों का वीडियो देखने को मिल जाए व्हाट्सएप पर, और पहले दिन मैंने कहा सबसे ज्यादा घोर जातिवादी पार्टी अगर कोई हो भारतीय जनता पार्टी, इनके आप सूची उठा लो ऊपर से नीचे तक, वाइस चांसलर कौन है या पदों पे कौन बैठा है, इस कोने से उस कोने तक हिसाब लगा लो कौन लोग बैठे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार ने जात के आधार पे काम कर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में शुक्रवार को अयोध्या के दूसरे दौरे पर होंगे। वो लगभग 11 बजे अयोध्या धाम पहुंचेंगे। इस बीच वो मलिन बस्ती में जाकर मलिन लोगों के साथ भोजन भी करेंगे और साथ ही अयोध्या में चल रहे 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति का आयुक्त सभागार में जायजा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और साथ में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्रीगण भी आ रहे हैं। इसमें साथ में पूरी एक कमेटी आ रही है और वो स्थलीय निरीक्षण करेगी। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन होगा, कैसे अयोध्या नव अयोध्या कैसा बन के आएगा और जो हमारा पुराना पार्ट है उसको कैसे रेनोवेट हम लोग कर रहे हैं और जो हमारे परियोजनाएं चल रही है उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसकी समीक्षा बैठक भी होगी, मंडल की समीक्षा बैठक भी होगी और महाराणा प्रताप की मूर्ति का गुप्तार घाट में अनावरण भी होगा। जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ये स्थान भगवान राम के वंशज सिसोदिया वंश, जो सूर वंश के सिसोदिया वंश के राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की मूर्ति का ये अनावरण होगा, जिसमें हमारे जिले और प्रदेश के सारे पदाधिकारीगण और सदैव माननीय योगी आदित्यनाथ योगी द्वारा अनावरण। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत के साथ 23 किसान संगठन लखीमपुर खीरी पहुंचे। यहां जिलाधिकारी कार्यालय के बंद कमरे में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन से मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान कोटा के संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारी ने अपनी अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखी और अपनी मांगे बताई। जो किसान आंदोलन के दौरान घायल हुए थे उनको सरकार मुआवजा दिलाने के लिए कहा गया। इसके अलावा किसानों की दूसरी समस्याओं को करने की मांग की गई। देखो, प्रशासन के हाथ में जो है, प्रशासन नकाब है, जो हमारे स्तर का हम कर देंगे। उनका लाइसेंस बनाने का मामला हो, उनको और सिक्योरिटी देने का मामला हो, उनकी नौकरी के सवाल पे भी कहा है कि प्रशासन उनकी नौकरी जो पीड़ित पक्ष है ठेकेदारी के आधार पर लगाना चाहते हैं। हमने कहा है कि अगर शुगर फैक्ट्री में लगाना है तो बोर्ड जो बैच होता है इनका उसमें लग जाएगी, वो हम उनको प्रूफ दे देंगे कैसे लगती है ये चीजें। और उन्होंने कहा कि जो भी और बात करनी हो। खबर कानपुर के बरा थाना क्षेत्र से है, जहां नगर निगम ने जरौली नाला रोड के अवैध कब्जों पर अतिक्रमण अभियान चलाया। इलाके के कई कच्चे और पक्के निर्माण तोड़े गए। अतिक्रमण अभियान के दौरान भारी मात्रा में सुरक्षा बल मौजूद था। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी अलीगढ़ पहुंची और कलेक्ट्रेट के पास पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में चौपाल लगाकर महिलाओं की समस्याओं को सुना और महिला थाना अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। इसी दौरान महिला आयोग की सदस्य ने कई पारिवारिक विवादों को भी मौके पर खत्म कराया। जन सुनवाई है, महिलाओं जो पीड़ित महिलाएं उनकी सुनना, क्या परेशानी ससुराल में है, क्या पति से है, क्या वो है, महिलाओं के साथ क्या उत्पीड़न हो रहा है, क्या दोनों पक्षों को बुलाकर सुनते हैं हम, किसकी गलती है क्या। हम कोशिश करते हैं कि उनका घर बस जाए, समझौता हो जाए, जब कभी पेश नहीं जाती है जब हम उस पर। जहां विद्यालयों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे ने आज औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों से पढ़ाई को लेकर बात की, साथ ही और रसोईया भवन असिस्टेंट रजिस्टर को भी चेक किया और बच्चों से खाने को लेकर जानकारी ली। साथ ही सभी अध्यापक को शिक्षा में कोई लापरवाही न होने के निर्देश भी दिए। बहुत दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थी कि वांसी ब्लॉक में शिक्षकों की उपस्थिति नियमित नहीं रहती है। इसी क्रम में आज वांसी ब्लॉक के लगभग 8 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है और कुछ विद्यालयों में टीचरों की उपस्थिति समय से नहीं, कुछ लोग देर में आए थे और कुछ की क्वेश्चन अनुपस्थित पाए गए हैं। पर सब पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके आगे भी निरंतर निरीक्षण करते रहेंगे हम लोग, ताकि शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। फरीदाबाद के बोजपुर इलाके में केजीपी हाईवे पर बाइक सवार दंपति की बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते पिता और 9 महीने की पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में पत्नी को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया। किस चीज पे थे आप लोग? बाइक पे थे। किस चीज हुई टक्कर? तीन थी। बाइक पे थे। इनका क्या नाम है? रंजीत। रंजीत,
बिटिया का प्रियांशी परी है। कितने कितने साल, कितने साल की बेटी? 8 महीने। भोजपुर टोल प्लाजा KGPP जी से पलवल साइड में 5 किलोमीटर पलवल साइड चलते जहाँ पे बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। तो कौन सी बाइक पर थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ पता चला? ऐसा तो कुछ नहीं पता चला हमको, रुके सजा मिला उठाया चल दिया। तो हमने पहले जो पास हॉस्पिटल पड़ता है उसमें लेके गए, बात जान बच जाए, वहाँ पे हमने उसको देखा है, इसने वाला पर मृत घोषित कर दिया, एरिया ठीक में लेके आना। इंसाफ से बात करवा दी, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा बाहर यहाँ पर। कौन है? एक्सपायर भी हुए हैं, उनका नाम रणजीत है, 2.5-3 साल के बच्चे भी एक्सपायर हो गए, बच्चे तो अंडर स्टोर खत्म हो गए थे, बीच में खत्म हो गए। खबर गाजियाबाद से है जहां की अकेली लड़की ने नेशनल हाईवे रोक दिया। लड़की मोदी नगर इलाके में थाने के सामने नेशनल हाईवे 58 पर लेट गई, जिससे ट्रैफिक रुक गया, जिसके बाद पुलिस काफी देर बाद मान मनोवल करती रही। दरअसल युवती का आरोप है कि 2021 में उसका अपहरण किया गया था, पुलिस ने उसके मामले में घोर लापरवाही बरती, साथ ही उसका अपहरणकर्ता खुलेआम घूमता रहा। युवती ने आरोप लगाया कि काफी दिनों बाद जब उसने इस मामले में संघर्ष किया तो एक आरोपी को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। 872/21 केस में पहले केस इंचार्ज शशिपाल भारद्वाज से उन्होंने विश्व तोमर के परिवार से 15 लाख रुपए लेकर केस दबा दिया था। जब हम बरामद हुए उसके बाद विश्व तोमर थाने में और SP देहात के सामने खुद कबूल करके गया है कि शशिपाल भारद्वाज ने 15 लाख रुपए। कानपुर के इस्लामिया स्कूल में प्रशासन का बुलडोजर चला, स्कूल प्रबंधन की गैर मौजूदगी में इमारत ध्वस्त की गई, जिसके बाद प्रिंसिपल ने दस्तावेज दिखाने पर ध्वस्तीकरण को रोका गया। इसी दौरान यो उमेश मिश्रा ने स्कूल परिसर में बनी मस्जिद की 2 दीवारों पर भी बुलडोजर चलवाया दिया, जिसके बाद वहां के लोगों ने इस मामले को लेकर एतराज जताया। घाटमपुर कस्बे में सरकारी सार्वजनिक भूमि खाद के गड्ढे खेल के मैदान में इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से अवैध कब्जे को नगर पालिका परिषद घाटमपुर द्वारा हटाया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से ये कार्यवाही संपन्न कराई गई और किसी भी प्रकार से किसी धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार के अपमानजनक कार्यवाही जैसी कोई भी घटना यहाँ पर कारित नहीं की गई है। पूरी कार्यवाही के दौरान शांति व्यवस्था बनाई रखी गई और उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।